गुड इवनिंग, वेलकम टू माई चैनल। और आज ब्लॉग मैंने सुबह से चालू किया था, थोड़ा घर की साफ़ सफाई कर लूँ दिवाली की, तो बस वही सब चल रही है क्योंकि साफ़ सफाई निकालो तो पूरा दिन चला जाता है। वही ऊपर से थोड़ा झाड़ दूँ, वैसे तो नहीं रहता है, अगले दिवाली है तो करना ही पड़ता है साफ़ सफाई, तो उसी से साफ़ सफाई कर लूँ। और कितना भी कम करो तो भी धीरे 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 पूरे दिन निकल ही जाता है साफ सफाई का काम करते करते। और बस हो चुकी है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि हफ्ते में महीने में एक बार कर लो तो इतना कचरा नहीं रहता है। ये झाड़ू लगा दो फिर देखते हैं। और आप सब कैसे हैं? काम करो, काम करते रहो करते रहो, सबके पीछे हटा हटा के झाड़ो। फिर सामान को उसी जगह लगा, वो सब ज़्यादा होता है, खुला घर रहता है तो फटाफट फटाफट हो जाता है, छोटे घर में यही दिक्कत ज़्यादा होती है। सामान को निकालते रहो फिर उसको उसी जगह लगाओ, ऐसा है। और आप लोग की कैसी चल रही दिवाली की तैयारियाँ? पहले तो लोग घर की साफ सफाई में लगे ही रहते हैं, करना ही पड़ता है। और क्या है, बस सो ही गई है धीरे धीरे। इधर से इधर लाओ, फिर वहाँ रखो, फिर रखा उठाओ, चलता ही रहता है। क्या है ना, कितना भी आप साफ कर लो तो भी डस्ट आता ही रहता है, डस्ट आता ही रहता है कितना भी साफ करो। अभी हमारे दल ना लाइट चली गई थी कि लाइट चली गई, यहाँ पता नहीं क्यों जब से पूरा बॉम्बे का कट ऑफ हुआ तब से धीरे कभी न कभी लाइट चली जाती है, ज़्यादा नहीं जाती है यहाँ इतना, फिलहाल पता नहीं एक 15-20 दिन से क्या चल रहा है यहाँ का माहौल हो गया है। और क्या है, दिन भर करते रहो काम, चलता रहता है धीरे धीरे। बस हो गई है सब, थोड़ा बर्तन निकाल के धोने हैं सब, कांच के, सब कांच के बर्तन निकाल के शोकेस में से निकाल के सब धोना है उनको। काफ़ी दिनों से धुले भी नहीं, कि इतना यूज होते नहीं है वो बर्तन, वो बस कांच के बर्तन रोज़ रोज़ कौन यूज करता है, कोई आ जाए तो ये बस डस्टिंग कर दो, धूल हो जाती है झाड़ू लगाओ तो डस्टिंग। इन लोग के लैपटॉप वगैरह पे कवर डालते नहीं, कवर पड़े रहते के लिए लोग डालते नहीं हैं। तो बस आज हम बनाएंगे, किचन में ज़्यादा रेसिपी कुछ नहीं है, कस्टर्ड बनाएंगे। तो ये कस्टर्ड को मैंने कच्चा दूध लिया है, 1 लीटर दूध है, इतना पूरा नहीं बनाएंगे। ये क्या है कि जब कुछ बच्चे दूध नहीं पीते तो हम इस हिसाब से कस्टर्ड बना के तो ये लोग खा लेते हैं अच्छे से, तो दूध मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। और इसमें हम 3-4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। और इसको क्या है ना, जो कच्चा दूध रहता है उसमें बाहर निकाल के एक कटोरी उसी में मिलाना है, नहीं गर्म में मिलाएंगे तो वो गुठलियाँ पड़ जाती, फिर वो मिक्स नहीं होता है, और ठंडे दूध में अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो उधर मेरा दूध बॉयल हो रहा है, फटाफट बन जाता है। और क्या है कि बच्चे लोग को खाने में भी ये दूध नहीं पियेंगे तो इस बहाने वो दूध इनके पेट में भी चला जाता है। और आपके अपने हिसाब से कोई भी फ्रूट वगैरह डाल के खाने का टेस्ट आता है उसमें,
तो बस मेरा दूध गर्म हो गया है, अभी हम इसमें शक्कर डाल देंगे। शक्कर आप गर्म दूध में भी डाल सकते हैं, कि मैंने आज इसी में डाल देने में, तो हमेशा गर्म दूध में डालती हूँ। तो इसमें डाल के मिला लेंगे। और दूध गर्म हो गया है, अभी हम इसको उसमें डालेंगे। ये खाने के लिए बहुत अच्छा है, फटाफट बन जाता है, फटाफट इसको आप। अब इसमें से थोड़ा दूध हम निकाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा है, एक लीटर दूध जैसे हमने निकाल लिया इसमें से। अभी हम इसको इसमें डाल के फिर इसको हम नीचे ही रख के पहले मिलाएंगे, और उसके बाद इसको हम गैस पर रख के फिर 2 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे, जिससे ये गाढ़ा हो जाता है। और इसको बनने के बाद इसको कम से कम 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना, क्योंकि फ्रिज में रख के ये ठंडा होता है तो जम जाता है, तो वो फिर इसको अच्छा लगता है। और इसको चलाते रहना, नहीं तो ये दूध है ना नीचे पकड़ लेता है फिर। तो बस अभी ये इसको हम थोड़ा सा बॉयल आने के लिए, बॉयल आ जाएगा फिर इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। अभी ये हो चुका है, अभी हम इसको रख देंगे, ये रखा रहेगा ठंडा हो जाएगा। अभी ये हमने 2-3 घंटे रख दिया था फ्रिज में, और ये देखिए गाढ़ा हो चुका है। ये ठंडा ठंडा अच्छा लगता है खाने को। और इसमें ना आम डालते हैं, तो आम डाल के बहुत टेस्ट लगता है। अभी आज ये सीजन में अभी आम तो नहीं है फिलहाल, तो हमने इसमें ड्राई फ्रूट और पपीता और एप्पल ही डाला है। केले भी डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से, कोई भी फ्रूट डाल दीजिए। इसमें अभी हम थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट वैसे अच्छा नहीं लगता है, के लिए आम नहीं, आम के साथ में बहुत अच्छा लगता है ये खाने को। अभी एक में हम इसमें पपैया डालेंगे, पपीता, और ये एप्पल है। और ये हमारा तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर, लाइक, कमेंट। मिलते हैं आपको नए वीडियो में। धन्यवाद। तैयार हो चुका है।